अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतरीन होंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अभी बात कुछ इस तरह है कि आज ना दोस्त इकट्ठे हुए हुए थे, तो इधर भाई बिलाल साहब, अमानुल्लाह साहब ये बोल रहे हैं कि यार देसी नाश्ता, तो ये देसी नाश्ता तो बहुत कीता होएगा घर आए, तो कहना देसी नाश्ता ये होते हैं। अज इस जगह पर लैके जाने हैं, कितने मकई की रोटी होएगी, साग होएगा, चाय होगी, सारिया चीज़ा होनगियाँ तेन दिखाने। और मैं क्या यार सिड़नी जी मिल गई शाम, कहना छोरी साहब तुम घर ही सुते रह गए हो, तो मैं लैके जाना कितने मिलदियाँ की। कहना घरों घर तो बगैर बंदा नाश्ता नहीं कर सकता, कि परदेस परदेस रोना रहना। सलाम बिलाल साहब, कितने लैके जा रहे हो अज? सलाम वालेकुम जी, अज तुहानू देसी नाश्ता करवाया जैसे पराठिया का। पराठिया का आलू वाले पराठे किवें घर वर्गे लभदे आ? ओह तो जाके चेक करना, तेनों पता लगेगा की होंगे। मैं तो जॉब ही करता रह गया, मैंने तो यही समझ लगी थी ते कहते थी नहीं नहीं तू सुता रह गया, तू देखी ही नहीं, दुनिया बहुत आगे टर गई है चौधरी। अच्छा, मैंने लगा दुनिया फास्ट फूड से पहुंच गई, तू देसी नाश्ता ना, दे असी 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 देसी लोग हां, असी फास्ट फूड पसंद ही नहीं करते। सही है, असी वो जगह लभी है ना जिथे देसियां दी लभदी है, पंजाबियां पंजाबी दी खुराकां। अब मेरे कैमरामैन तो भी पता नहीं पता। ये भाई साहब हम यहां पर पहुंच गए, सबसे पहले हमने चाय बनाई है, फिर अपना ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस क्या किया? आलू वाले पराठे, गोभी वाले, गाजर वाले, साग वाले, सारे पराठे किए हैं। ये मैं आपको अभी पराठे बनते हुए दिखाता हूँ। यहाँ पर हर किस्म का देसी नाश्ता मिलता है। ये जगह हारिस पार्क में है, यहाँ पर आप आइएगा और आपको हर किस्म का नाश्ता मिलेगा। ये चेक कर लें भाई साहब, ये पराठे बन रहे हैं हमारे, और ये पराठे आ गए हैं। ये भाई साहब आपको दही के साथ, अचार के साथ, देसी घी के साथ सर्व किए जाते हैं। ओह, और साथ में चने का, चने चने वाले ले लें आप पराठे, साथ में चने का सालन आएगा, आप देखिएगा पूरा देसी घर वाला आपको टेस्ट मिलेगा। मैं तो फर्स्ट टाइम आया था, लेकिन मैं भाई हैरान रह गया। वैसे ही वैसे जैसे घर के होते हैं ना हाथ से बने हुए पराठे, वैसे ही पराठे आपको मिलेंगे, वैसा ही टेस्ट आपको आएगा घर जैसा। ये देखें आप, हमने तो 6-7 टाइप के जितने पराठे थे सारे ऑर्डर किए थे, और भाई क्या कहने, आप ना पूछिएगा, आप सारे दोस्त जो जो सिडनी में रहते हैं एक मरतबा इस जगह को लाजमी विजिट कीजिएगा। ये भाई साहब पराठे आ रहे हैं, आप चेक कर लें। मैंने ये तो जितनी टाइप के पराठे थे सारे मंगवाए और सारे थोड़े थोड़े चेक किए, ताकि पता चले जैसा घर का टेस्ट होता है ना वैसा ही आपको यहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल घर जैसा। यहाँ पर तो भाई बिलाल साहब का शुक्रिया भाई, उन्होंने यहाँ पर लेकर आए। ओहो, लेकिन ना घर जैसा ही मज़ा आ गया पूरा। यहाँ पर हम साहब ने ना उमर को बैठ के बहुत ज़्यादा मिस किया है, उसको कॉल की थी लेकिन वो थोड़ा बिजी था, बोलता मैंने कहीं जाना है। हमने बोला ठीक है आप जाओ, लेकिन ना हम जरा नाश्ता करके आपकी तरफ फिर चक्कर लगाते हैं। आप हारिस पार्क में आए हुए हो, यहाँ पर देसी नाश्ता पराठों का करो और इसके बाद तंदूरी चाय ना हो, ये हो ही नहीं सकता भाई। देसी लोग पराठों के साथ चाय, हमने पहले भी चाय पी, और इसके बाद ये देखें यहाँ पर एक शॉप है, यहाँ पर तंदूरी चाय मिलती है। भाई मैं यहाँ पर गया हूँ, स्पेशल तंदूरी चाय बनवाई है, चाय बनाने के बाद जो इसका टेस्ट था, यानी कि आप बोल दो ना जिसे फुल मजे वाला नाश्ता कहते हैं ना, आज वैसे ही पूरा 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 नाश्ता किया भाई साहब, मज़ा ही आ गया। इस तरह था जैसे मैं पाकिस्तान में घूम फिर रहा हूँ, और वहीं पर अपनी गलियों में जैसे मिलता है नाश्ता वैसे। तो ये मानुल्लाह साहब प्लान ही थोड़ी चेंजिंग हो गई है, हूँ आप केक खरीदना वा, केक खरीदने के बाद अभी उम्र की भी बर्थडे कर रही है यार, मेरा यार आ उन्हें नहीं सानू सद्या, कोई मसला नहीं, ठीक है ठीक है, पराठे पुराठे खा ले आ, नहीं सद्या कोई मसला नहीं, लेकिन साडा काम बनता यार दी बर्थडे विश करना, इंजे गल जो साडा बात, आज उन्हें सरप्राइज दे, अपने क्या ना अपने यार स्पैरो दी सालगिरह, साडा स्पैरो वही है भाई जी। चलो जी हुन उठे आके मिलते हैं उमर स्पैरो के पास। आशा करने के बाद अचानक डिसाइड हुआ कि उमर की बर्थडे है, उसके लिए केक लेकर चलते हैं। यहाँ केक वाली शॉप आ रहे हैं, तो यहाँ पर केक वगैरह उम्र के लिए लिया है, तो इसके बाद हम उम्र की तरफ घर की तरफ निकलने लगे हैं। तो बिलाल बोल रहा है इसके ऊपर 93 इयर्स लिखवा लो ना केक के ऊपर, मैंने बोला वो कैसे, बोलता रात वाला हंस रहा था, बोलता 93 इयर्स का बंदा अभी इधर है जिंदा। हाँ जी भाई जी, आज केक लेके अभी आ गए हैं फिर उम्र के घर, चलो हम दरवाजा खड़काते हैं, दरवाजा खड़का के देखते हैं उमर साहब की कहता की नहीं। भाई केक लेके आ रहे हैं, टूटे केक नहीं लेके आया।
ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਹੀ ਆ, ਘਰ ਹੋਏਗਾ चले जी। आज के दिन के लिए इतना ही, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं और सारे दोस्त मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। चलें जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।